नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन लेवल के बारे में। ये जो क्रिएटिनिन लेवल है ये क्यों बढ़ती है, क्रिएटिन आपके शरीर में क्या काम करता है, और ये जो लेवल है ये जब बढ़ती है तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आप उसका यूज करके क्रिएटिन लेवल जो है वो कम कर सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है नेफ्रो एड ड्रॉप। ये डॉक्टर जॉन्स की होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस मेडिसिन में कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो आपको क्रिएटिन लेवल कम करने में मदद करेगी, और ये मेडिसिन आपको यूज कैसे करनी है इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रही है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्रिएटिन है ये हर किसी के ब्लड में या फिर यूरिन में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिन। और जब क्रिएटिन की हम टेस्ट करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि अपनी किडनी जो है वो कितनी अच्छी तरह से काम करती है। सामान्य परिस्थितियों में हमारी किडनी खुद इन पदार्थों को फिल्टर करने और शरीर से बाहर निकालने में काबिल होती है, लेकिन आमतौर पर जब कुछ किडनी में कुछ परेशानी आ जाती है तो उस वक्त क्रिएटिन लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आमतौर पर ये जो क्रिएटिन है ये एक मेटाबॉलिज्म का पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए सहायता करता है, और उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम क्रिएटिन बोलते हैं। तो ये जो हाई क्रिएटिन लेवल आपकी किडनी में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है उसकी ओर संकेत करती है। क्रिएटिन का जो लेवल है वो बहुत सारे कारणों से आपके शरीर में बढ़ता है, तो वो क्या क्या कारण है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्रिएटिन का स्तर आपके शरीर में बढ़ जाना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो जाता है। जब आपके मेटाबॉलिज जो प्रक्रिया होती है उसमें भोजन जो है वो ऊर्जा में बदलता है तो क्रिएटिन तो एक अन्य पदार्थ होता है क्रिएटिन, उसका निर्माण हो जाता है। तो ये जो क्रिएटिन है ये टूटकर क्रिएटिन में परिवर्तित हो जाता है और आपकी यूरिन के माध्यम से इसको बाहर फेंकते हैं। तो ये जो क्रिएटिन जो बढ़ता है इसके बहुत सारे कारण हैं। यदि आपकी किडनी में डैमेज हो चुका है तो आपका क्रिएटिन लेवल जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसकी जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। आपके किडनी में जो भी ब्लड है वो फिल्टर होता है, उससे क्रिएटिन जो है वेस्ट प्रोडक्ट वो बाहर निकलता है, उस प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसका रेट जो है वो कम हो जाता है और आपकी किडनी में जो आपकी किडनी जो है वो क्रिएटिनिन जो है वो बाहर नहीं फेंकती और आपके खून में क्रिएटिनिन की लेवल जो है वो बढ़ जाती है। अगर ऐसी स्थिति कुछ हो जाती है, आपके मसल्स जो है वो खराब हो जाते हैं और वो टूटते हैं, तो वो मसल्स टिश्यू जो है आपके ब्लड स्ट्रीम से मिल जाते हैं और आपकी किडनी के साथ जुड़ जाते हैं। इसके वजह से भी आपकी क्रिएटिनिन की लेवल जो है वो बढ़ जाती है। आपके डाइट में पके हुए मीट की मात्रा अगर ज्यादा है जिसकी वजह से भी आपके शरीर में जो क्रिएटिनिन की लेवल है वो बढ़ जाती है। आपके थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफ हो जाती है, तो आपकी किडनी की जो क्षमता है क्रिएटिनिन बाहर फेंकने की वो कम हो जाती है। अपने डाइट में सोडियम का प्रमाण जो है उसकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ज्यादा सोडियम की वजह से काफी अनहेल्दी फूड्स रिटेंशन हो जाता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, और इसके वजह से आपकी क्रिएटिनिन लेवल जो है वो हाई हो जाती है। तो आपके शरीर में आपको सोडियम का जो लेवल है वो कम रखना है, ज्यादा नहीं करना है। जहां तक हो सके प्रोटीन से भरपूर फूड्स से खाने से आपको बचना है, क्योंकि आपके शरीर में जब प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हो जाता है, रेड मीट या फिर डेयरी प्रोडक्ट आप खास तौर पर बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो उस वक्त क्रिएटिनिन जो है वो बहुत आसानी से आपके शरीर में पैदा हो जाता है। आपके शरीर में क्रिएटिन की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है और इससे आपका क्रिएटिनिन लेवल जो है
वो बढ़ जाता है और आपकी किडनी पर किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कम हो जाता है। फॉस्फरस रिच फूड्स जो है वो अगर आप खा लेते हो, खासकर जब आपका क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है, तो उस वक्त ये क्रिएटिनिन बढ़ने में फॉस्फरस जो है वो मदद करता है। तो फॉस्फरस रिच फूड जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। जब आपका पोटेशियम का जो स्तर है वो अगर ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो क्रिएट का लेवल है, क्रिएटिनिन का जो लेवल है, वो बढ़ जाता है। तो ये जो कारण थे मैंने बताए, जो क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ाते हैं। तो अब बात करते हैं क्रिएटिनिन लेवल जो है उसको कम करने के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है डॉक्टर जॉन की, जिसका नाम है नेफ्रो एड ड्रॉप। तो ये आपको कैसे मदद करता है? ये जो डॉक्टर जॉन का नेफ्रो एड ड्रॉप है, आपके किडनी में जो भी किडनी फेल्यूर के सिम्टम्स आते हैं, तो उस सिम्टम्स को कम करने के लिए ये जो ड्रॉप जो है वो मदद करता है। उसके साथ आपके शरीर में क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो उससे आपकी जो पेशाब की मात्रा है वो कम हो जाती है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हो जाती है, और उससे आपके शरीर में ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए और आपका पेशाब की जो मात्रा है वो बढ़ाने के लिए ये जो ड्रॉप है वो मदद करता है। आपका जो यूरिनरी पीएच है उसको नॉर्मल करने में ये ड्रॉप मदद करता है। उसके साथ आपको पेशाब के वक्त जो जलन होती है, जिसको हम बर्निंग मिक्चुरेशन बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करवाने के लिए ये ड्रॉप मदद करता है। इसके साथ आपको पेशाब की जो थैली है उसका इरिटेशन होता है, उधर बहुत ज्यादा दर्द होता है, और सिस्टाइटिस जैसी तकलीफ होती है, तो उस तकलीफों को भी कम करने के लिए ये जो ड्रॉप है ये मदद करता है। इसके साथ आपके किडनी में जब पथरी जमा हो जाती है, तो उस पथरी को भी कम करने के लिए, उस पथरी की जो मात्रा है उसको कम करने के लिए मेडिसिन जो है ये मदद करती है। तो ये जो मेडिसिन है ये खास तौर पर आपके किडनी को और आपके ब्लैडर को नॉर्मल रखने का प्रयास करती है। तो ये जो ड्रॉप है इसमें बहुत सारी दवाइयां मिली हुई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली जो दवा मिली हुई है इसमें वो है एल्सिरम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इग्निशिया अगस्टाफोलिया। नेक्स्ट जो है वो है टर्मिनेंथिओलियम। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है यूरेनियम नाइट्रिकम, एपिस मेलिफिका, बर्बरिस वल्गैरिस, सारसापरिला। ये जो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है इस ड्रॉप में मिली हुई है। तो ये जो ड्रॉप है ये आपके किडनी का जो फेल्यूर है उसको बचाने में मदद करता है, और आपके किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको सुधार कर आपके खून में जो ब्लड यूरिया और क्रिएट की मात्रा जो है वो ज्यादा हो चुकी है, तो उसको कम करने के लिए मदद करता है। इसके साथ ऑक्सैलिक एसिड का डिपोजिशन ज्यादा हो गया है, अकुमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसके साथ कैल्शियम ऑक्सैलेट का जो प्रमाण है आपके यूरिन में वो बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो यूरिन में अकुमुलेट हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आपको किडनी स्टोन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं, तो उसको प्रिवेंट करने में ये मेडिसिन मदद करती है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको लेनी कैसी है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके 10 ड्रॉप आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। इसको आपको 1 घंटा खाने से पहले या फिर 1 घंटा खाने से बाद इस ड्रॉप को आपको इस्तेमाल करने हैं। तो ये जो ड्रॉप है ये आप लगातार 3 या 4 महीने के लिए यूज करते हैं, तो आपकी जो क्रिएटिनिन की लेवल है, ब्लड यूरिया की जो लेवल है वो कम हो जाती है, और आपके किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी अच्छी तरह से बढ़ने में मदद मिलती है। तो ये जो ड्रॉप है ये आप जरूर यूज कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी ये जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की समस्या है, या फिर जिनको कंटिन्यू डायलिसिस लगता है, तो ये लोग उसके साथ ये ड्रॉप यूज करें और उनका जो क्रिएटिनिन लेवल है उसको कम करने में मदद करें। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।